कोनिफेरस अल्पलाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट का ही आगे सब अध्ययन पढ़ रहे हैं, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। इसमें से अब कोनिफेरस वर्ड हम यूज करेंगे। यहाँ पे डायग्राम में एक जगह पे अल्पलाइन फॉरेस्ट दिखाया और एक जगह पे बोरियल फॉरेस्ट दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है कोनीफेरस। कोनीफेरस क्या है कि ये मतलब ऐसे ट्री होते हैं दैट प्रोड्यूस इट्स सीड्स इन कॉन्स। यानी यहाँ पे जितने भी ट्रीज होंगे वो अपने जो सीड्स है ना वो कॉन फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए इनको जो है कोनीफेरस ट्रीज कहा जाता है या कोनीफेरस फॉरेस्ट कहा जाता है। तो इसमें अब जो फर्दर दो डिवीजन है वो है अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। अल्पाइन फॉरेस्ट यानी अल्पाइन के लिए जो हम है वो वर्ड यूज करते हैं कि जो कि हाई एल्टीट्यूड पे होता है, और बोरियल के लिए यूज करते हैं जो कि हाई लेटीट्यूड पे होता है। अगर हम कोनिफेरस फॉरेस्ट को डिवाइड करें डिफाइन करें तो इसका मतलब है द फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड एंड हाई लेटीट्यूड आर कॉल्ड कोनीफेरस फॉरेस्ट। तो लेकिन अगर हम अल्पाइन और बोरियल को सेपरेटली जो है डिफाइन करें तो ऐसा कोनीफेरस फॉरेस्ट जो लोकेटेड होता है हाई एल्टीट्यूड पे यानी सतह समुद्र की बुलंदी पे, पहाड़ की बुलंदी पे। ये जो अल्पाइन है ना इसको हम कहते हैं ये पहाड़ की बुलंदी पे होता है, सतह समुद्र से बुलंदी पे होता है। द कोनीफेरस फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड आर कॉल्ड कोनीफेरस अल्पलाइन फॉरेस्ट। वाइल ऑन दी अदर हैंड जो ये बोरियल फॉरेस्ट है ये क्या है, ऐसा कोनी फॉरेस्ट फॉरेस्ट है जो कोनी फॉरेस्ट फॉरेस्ट है जो लोकेटेड करता है एट हाई लेटिट्यूड आर कॉल्ड बोरियल फॉरेस्ट। यहाँ पे अब जो है इनकी अक्रंस क्या है, ये फॉरेस्ट पाए कहाँ पे जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान में देखें अपर कगान में दीर, चिलास, मालम जब्बा, ठीक है, स्वात वैली में जो आते हैं। इसके अलावा यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में भी पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में है, कैनेडा, ठीक है, जो साउथ ऑफ टंड्रा जहाँ पे टंड्रा का इलाका एंड होता है वहां पे ये इसका इलाका शुरू होता है। हाँ जी, अल्पाइन फॉरेस्ट क्या है, अभी मैं बता रही हूँ कि ऐसा कोनी फॉरेस्ट फॉरेस्ट है जो लोकेटेड होता है एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, पहाड़ की बुलंदी पे। दूसरा जो इक्वेटर की बुलंदी पे होता है वह है कोनीफेरस फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई लेटीट्यूड। अब हम यहाँ पे एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड वर्ड को बार बार जो है डिस्कस कर रहे हैं तो इसका जो है आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, एल्टीट्यूड का मतलब क्या है और लेटीट्यूड का मतलब क्या है। लेटीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर, यानी जमीन इक्वेटर से जितना डिस्टेंस है ना नॉर्थ साइड पे या साउथ साइड पे उसको हम लेटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम डिग्री में जो है एक्सप्रेस करते हैं। जबकि एल्टीट्यूड क्या है, ये हाइट है अबव द रेफरेंस ऑफ पॉइंट, यानी जैसे हम कह देंगे सतह समुद्र से बुलंदी है, ये पहाड़ की बुलंदी कितनी हाइट है, ठीक है, अबव द रेफरेंस पॉइंट सी लेवल से या अर्थ सरफेस से कितना ऊपर जाएंगे उसको हम जो है फीट या मीटर में जो है डिस्कस करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और इसके लिए हम वर्ड जो यूज करते हैं वो है एल्टीट्यूड। यानी अब लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड वर्ड का आपको पता चल गया तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा अल्पाइन किस में आ रहा है, एल्टीट्यूड में आ रहा है यानी हाइट पे आ रहा है। कोनीफेरस फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड, वाइल ऑन दी अदर हैंड बोरियल फॉरेस्ट पे क्या है, ये हाई लेटीट्यूड पे आएगा। तो यहाँ पे आपको कोनीफेरस फॉरेस्ट यानी कोनीफेरस फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या, द फॉरेस्ट लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड एंड हाई लेटीट्यूड। जब हम फिर इन आगे फर्दर इनको सेपरेटली जो है डिफाइन करेंगे, अल्पाइन के लिए हम फिर यूज करेंगे हाई लेटीट्यूड और बोरियल के लिए वर्ड यूज करेंगे हाई लेटीट्यूड। सो कोनीफेरस फॉरेस्ट क्या है, अल्पाइन फॉरेस्ट क्या है, बोरियल फॉरेस्ट क्या है, लोकेशन क्या है पाकिस्तान में। तो लोकेशन भी जो है अक्रंस हमने डिस्कस की है यहाँ पे कि ये अगर हम पाकिस्तान में जस्ट देखें तो इन पाकिस्तान दीज फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन अपर कगान, दीर, चिलास, मालम जब्बा, इन स्वात वैली। लेकिन हम अगर इसकी लोकेशन इन वर्ल्ड देखें तो वो हमने डिस्कस किया है ये यूरेशिया में या यूरोप और एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, कैनेडा में, ठीक है, जस्ट साउथ ऑफ टंड्रा। अब हम इसकी लाइफ डिस्कस कर लेते हैं, कंडीशंस क्या हैं यहाँ की। कहते हैं अब जो है यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है एक टाइगा, ठीक
ठीक है। अब टाइगा वर्ड क्या है, जो हम ये मतलब अब अगर टाइगा वर्ड को हम डिफाइन करें तो ये एक मोइस्ट फॉरेस्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे मतलब कोनिफेरस फॉरेस्ट आ रहा है। अब यहाँ पे हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं, कौन सी है। नॉर्दर्न कोनिफेरस फॉरेस्ट को ही हम टाइगा बोलते हैं, इसकी कंडीशन कहते हैं थोड़ी हार्श होती है, देन पिछले प्रीवियस में हमने टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट पढ़ा था, उससे भी हार्श कंडीशन है इसकी, ठीक है। विंटर विंटर किस तरह होता है, काफी लॉन्ग होता है, लेंथी इसका पीरियड होता है और कोल्डर होता है, और ग्रोइंग सीजन जो है ना विंटर में शॉर्ट हो जाता है, लेकिन जो ही वार्म वेदर आता है, वार्म वेदर और कोल्डर, यानी कोल्डर ज्यादा लंबे अरसे तक रहेगा, यहाँ पर वार्म थोड़ा अरसा है, यानी थोड़ा फेज है, ये शॉर्ट फेज है एज कम्पेयर टू कोल्डर। तो लेकिन कोल्डर में क्योंकि ग्रोथ जो है वो शॉर्ट हो जाती, फिर जो ही वार्म वेदर आएगा चाहे वो शॉर्ट टाइम के लिए, तो प्लांट्स के लिए बड़ा लग्जरियस मतलब वो फेज होता है, उसमें वो अपनी ग्रोथ को रीग्रो करना शुरू कर देते हैं। सो एवर ग्रीन कोनी फॉरेस्ट ट्रीज पॉपुलेट फॉरेस्ट एंटायरली विद स्मॉल वैक्सी नीडल्स। अब जहाँ यहाँ पे जितने भी वो प्लांट्स होंगे वो नीडल लाइक होंगे, तो और उन प्लांट्स में क्या आ गया उनकी, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये नीडल टाइप है, वैक्सी कोटिंग होगी, स्मॉल सरफेस एरिया है, नीडल्स जो है ना, क्योंकि अब अगर नीडल्स ब्रॉड होती तो फिर सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होती, लेकिन नीडल इसीलिए इन इन फॉरेस्ट की जो है वो जो है ये लीव्स वगैरह स्टेम वो नीडल टाइप है, इसकी शेप ही नीडल टाइप है, ताकि सरफेस एरिया कम हो और वाटर रिडक्शन कम हो, ठीक है, और एवेपोरेशन ना हो ड्यूरिंग कोल्ड मंथ्स। लीव्स रिमेन ऑन ट्रीज ईयर अराउंड, यानी पत्ते इसके गिरते नहीं है, वो सारा साल ऊपर ही रहते हैं दरख्त के ही, ये जो ट्रीज होते हैं। अब यहाँ पे जो है वो कंडीशन किस तरह की है, स्नो कवर एंड टेम्परेट, यानी कांस्टेंट कवर ऑफ स्नो होता है, लॉन्ग स्फीयर, क्योंकि लॉन्गर है कोल्डर रीजन तो विंटर ज्यादा होगा, टेम्परेचर में भी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से भी जो है बिलो हो जाएगा, और अप जो है वो 10 डिग्री तक जाएगा। अब यहाँ पे जो है यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन तो हमने डिस्कस कर ली है यहाँ की, ठीक है, स्नो कवर देख लिया, टेम्परेचर कितना है। अब यहाँ पे रहने वाले मेजर जो एनिमल्स हैं वो कौन से हैं, यहाँ पे बाइसन है, बाइसन क्या है, वो जंगली बैंस जिसे बोलते हैं, वो ज्यादातर होती है इन फॉरेस्ट में, वुल्फ है, ब्लैक डियर है, मार्कोपोलो शीप है, कुछ स्मॉल एनिमल्स भी हैं उसमें, लाइक ये कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल है जो गिलहरी सी होती है, और स्नो शो हेयर है, ठीक है, खरगोश जो होता है रेबी टाइप होता है, वोल्वरिन है, बर्ड्स अगर देखे तो क्रोस बिल्स टाइप बर्ड्स होते हैं इस फॉरेस्ट में। तो नेक्स्ट प्लांट्स किस टाइप के हैं, मेजर प्लांट्स किस तरह के, द प्लांट्स प्रेजेंट इन दिस फॉरेस्ट और पाइनस वेलिशियाना है, पाइनस रोक्सबर्गी है, अबियस पिंड्रो है, पीसिया से यहाँ पे है, पीसिया से मिथियाना है, सीड्रोस डिडोरा है, ये प्लांट्स के नेम आपने याद करने हैं, मेजर एनिमल्स कौन से हैं, प्लांट्स कौन से, देन इस जो कोनिफेरस एल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट है यहाँ पे ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, तो कह रहे जो मोस्ट ऑफ द कोनिफेरस फॉरेस्ट है ना वो इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज्यादा स्वीयर है, मतलब जो है क्लाइमेट कोल्डर एरिया बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे भी ह्यूमन ने इतना अपना इम्पैक्ट नहीं जो है वो किया, ठीक है, और थोड़ा सा ये इलाका है भी मतलब आप कह सकते हैं कि ह्यूमन जो है इसको जल्दी जो है वो वेल नहीं कर सकता, थोड़ा दूर है, यानी इसको डिस्टर्ब करने में उनको भी थोड़ी जो है ना मेहनत की जरूरत है, बट दीज फैक्टर आर मेजर सोर्सेज ऑफ, फिर भी यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट है ना ये लंबर के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो यूज हो सकता है, लेकिन इतना इम्पैक्ट अभी नहीं हुआ, हो रहा है कि फॉरेस्ट जो है ना वो क्लियर हो रहा है इन द वर्ल्ड, ह्यूमन इम्पैक्ट शुरू हो गया है, लेकिन टेम्परेट की तरह अभी इतना स्वीयर नहीं है। अब अगर यहाँ पे मतलब ये इतना ही आप ह्यूमन इम्पैक्ट आपकी बुक के अकॉर्डिंग इतना ही आप इतना ही करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये यहाँ पे हमने जब शुरू में ये इनकी डिवीजन देखी थी हमने कहा था फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट है, और अल्पलाइन कोनिफेरस अल्पलाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट है, तो हमने टेम्परेट भी डिस्कस कर लिया, कोनिफेरस अल्पलाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट भी डिस्कस कर लिया, तो जो नेक्स्ट सेकेंड बायोम है, सेकेंड इकोसिस्टम है, वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब अगर हम पहले देखें ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या है, यानी एक ऐसा बायोम है वेयर एनुअल रेनफॉल इज अबाउट 250 टू 750 मिलीमीटर, यानी 10 टू 13 इंचेस
एनुअल यहाँ पे रेन होती है तो, लेकिन इतनी इनफ नहीं है कि वो मतलब नॉट इनफ टू सपोर्ट फॉरेस्ट इज कॉल्ड ग्रास लैंड इकोसिस्टम। अगर हम इसकी लोकेशन देखें पाकिस्तान में, लोकेशन इन पाकिस्तान ये कहाँ कहाँ पे ग्रास लैंड इको सिस्टम है, दे आर फाउंड इन गिलगत कश्मीर, वजीरिस्तान, लोअर चित्राल एंड नॉर्थ कलात। लेकिन अगर हम इसकी लोकेशन वर्ल्ड में देखें तो इन वर्ल्ड लार्ज ग्रास लैंड आर सीन इन द सेंटर ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स। इसमें प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, पेम्पस ऑफ अर्जेंटाइना है, ठीक है। अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं कितनी टाइप्स के हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रास लैंड, ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रास लैंड। फर्स्ट वन इज प्रेरीज एंड सेकेंड वन इज सवाना। हम इनको जो है वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, प्रेरीज क्या है और सवाना क्या है। यहाँ पे हम इनकी डेफिनेशन अगर देखें, द ग्रास लैंड विच डू नॉट हैव वुडी प्लांट्स, ठीक है, द ग्रास लैंड विच डू नॉट हैव वुडी प्लांट्स सो दे आर नोन एज प्रेरीज। जबकि और दूसरी साइड पे हम देखें दोज ग्रास लैंड इन दैट हैव वुडी प्लांट्स, ठीक है, ऐसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स है जिसमें वुडी प्लांट्स हैं उनको हम सवाना बोलेंगे, और जहाँ पे वुडी प्लांट्स नहीं है, ठीक है, उनको हम प्रेरीज बोलेंगे। ये डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में स्पेशली ये जो है ना प्रॉपरली वुडी प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे वुडी प्लांट्स नहीं है, ठीक है। प्रेरीज और सवाना में आपको डिफरेंस आना चाहिए। तो जो प्रेरीज है ना यहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट्स होता है, जबकि जो ग्रास लैंड है यहाँ पे सॉरी जो सवाना है यहाँ पे ट्रॉपिकल जो है ना क्लाइमेट्स होते हैं। अब अगर हम रेनफॉल की डिस्कशन करें तो एनुअल रेनफॉल हम कह रहे हैं 250 टू 750 मिलीमीटर होती है, अराउंड अबाउट 10 टू 30 इंचेस। तो ग्रासलैंड यूजली फेस वियर ड्राउट क्योंकि ये कम है, ग्रासलैंड के लिए ये जो है ना नॉट इनफ टू सपोर्ट सच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। सो ये इनफ नहीं है तो ड्राउट यानी खुश्कसाली हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ग्रास लैंड में। अगर इसका देखे तो ये 15 मिलीमीटर तक हो सकती है, यानी 60 इंचेस तक हो सकती है। इसके अलावा जो रेनफॉल जो ग्रास लैंड अगर ऐसे ऐसे रीजन में जो ग्रास लैंड है ना उनमें रेनल फॉल जो है ना वो मिड वे में भी हो सकती है, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट और डेजर्ट के दरमियान में। फॉरेस्ट में क्या कितनी रेनफॉल और डेजर्ट में कितनी, इन बिटवीन ये जो है ना ग्रास लैंड इकोसिस्टम में होती है, डेजर्ट से ज्यादा और फॉरेस्ट से कम, ठीक है। इस वे में हम इसको मिड वे कहते हैं बिटवीन द फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। तो जनरल जो है ना यहाँ पे कंटिन्यूस ओवर कवर होता है ग्रास बट नॉट ट्रीज ऑल एक्सेप्ट अलोंग द रिवर्स। यहाँ पे अब ये कि जो रिवर्स के किनारों पे वहां पे जो है ट्रीज हो सकते हैं बकायदा, लेकिन वैसे ग्रास जो है ना वही ज्यादा होती है। अगर वाटर एंड फायर का देखें क्या है क्रूशियल फैक्टर है इन कम्पिटिशन बिटवीन ग्रास एंड ट्रीज। अब यहाँ के मेजर प्लांट्स कौन से हैं, एनिमल्स कौन से हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, प्लांट्स लाइफ इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो जो डोमिनेंट स्पीशीज है यहाँ पे वो है ग्रेमिनोइड्स। ग्रेमिनोइड्स कौन से होते हैं जिसमें ग्रास लाइक प्लांट्स होते हैं, यानी फोब्स होते हैं, वीड होती है, हर्बेशियस प्लांट्स आ जाते हैं इसमें, कॉम्पोजाइट्स आ जाते हैं, कंपोजिटिव फैमिली से जो होते हैं लाइक ये जो फलीदार लेग्यूम वगैरह मटर और ये मूंगफली इस तरह के जितने भी हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं वो भी इसमें होते हैं, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड होते हैं साथ, ग्रास होती है इनके। अगर हम यहाँ की लेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे तीन किस्म की लेयर पाई जाती हैं ग्रास लैंड इकोसिस्टम में, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर में किस तरह की ग्रास है, सेकंड लेयर में किस तरह की ग्रास है, थर्ड लेयर में किस तरह की ग्रास है। अगर हम फर्स्ट लेयर ऑफ ग्रास लैंड इकोसिस्टम में देखें तो फर्स्ट लेयर में जो है ना टॉल ग्रासेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं एंड्रोपोगोन है, पेनिसम है। सेकेंड लेयर में जो ग्रास है वो थोड़ी हाई मिड से हाई होती है, इसमें स्ट्राइपा है, स्पोरोबोलस है और ओरिजियोपसिस है। जो थर्ड लेयर है इसमें जो है ना वो मतलब सबसे पहले फर्स्ट लेयर में ज्यादा लंबी हाइट वाली ग्रास है, फिर उससे थोड़ी छोटी है मीडियम साइज की है, फिर शॉर्ट जो ग्रासेस है ना बिल्कुल फ्लोर टाइप जो होती है उसमें फोब्स आ जाती है, वेलफेयर स्पीशीज है, पोवा है, ब्रोमस है, ठीक है, मोसिस है, लाइकन्स है। लाइकन्स और मोसिस का तो आपको पता है बिल्कुल जैसे फ्लोर शीट होती है उस तरह की है क्योंकि इनकी जो है ना वो हाइट ज्यादा नहीं होती। अब सोइल कंडीशन कैसी है, यहाँ की जो सोइल है वह मॉइस्चर होती है लिमिटेड ही क्योंकि इतना रेनफॉल नहीं होता और प्रेसिपिटेशन भी ट्रांसपिरेशन भी लो ही होती है, लो रेन है तो हाई वेपोरेशन हो जाए तो शॉर्टेज हो सकता है वाटर का। अपर लेयर जो है ना यहाँ की वहाँ पे ग्रासेस रूटेड होती हैं और वो नॉर्मली मॉइस्ट होती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो डीपली लेयर्स होती है ना वो ड्राई होती है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर। और जो सोइल है ग्रासलैंड की बेसिकली
इम्परमीएबल होती है. इम्परमीएबल का मतलब है, मतलब सुराखों के बगैर है, इसमें वो एक्सचेंज नहीं हो सकता जिससे पानी ना गुजर सके. और विद एक्सेसिव सैलिनिटी, नमकियात वाला पानी होता है, ठीक है, साल्टी वाटर होता है. नेक्स्ट, एनिमल लाइफ कैसी है ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, तो इसमें हर्बीवोर्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, प्रीडेटर्स भी हैं, डीकम्पोजर्स भी हैं. तो अगर हम हर्बीवोर्स देखें तो क्योंकि यहाँ पे ग्रासलैंड है और यहाँ पे हर्बीवोर्स ही फिर डोमिनेंट स्पीशीज होंगे क्योंकि वो खाते ही ग्रास वगैरह हैं. इसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स भी हैं उसमें, मोस्टली जो है ना इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स वगैरह हैं, लाइक ये ग्रास ऊपर है, ठीक है, ग्रास ऊपर में भी ग्रास ही खाते हैं, इसलिए वो इस टाइप का यहाँ पे ये इंसेक्ट्स है वो हर्बीवोर्स ही है. कुछ प्लांट फोलिएज है. अगर यहाँ पे हम प्रीडेटर्स में देखें एनिमल लाइक कौन से, तो जेब्रा है, जेब्रा की भी जो है वो फूड जो है ये ग्रास ही है. कुछ वाइल्ड हॉर्सेज होंगे, बाइसन, वही जंगली भैंसे वगैरह भी होंगी जो कि हर्बीवोर्स हैं और वो ग्रास खाएंगी. इसके अलावा अगर हम प्रीडेटर्स में देखें तो किस टाइप के एनिमल्स हैं, इसमें लिजर्ड्स हैं, टर्टल्स हैं, टोड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, फोक्सीज हैं, कुछ वॉल्स हैं, ये कॉमन जो है मैमल्स हैं यहाँ के ग्रासलैंड इकोसिस्टम के. देन नेक्स्ट जो है डीकम्पोजर्स हैं, तो डीकम्पोजर्स में बैक्टीरिया है, फंजाई है, स्पेशली कौन सी, एक्टिनोमाइसीट्स, मोल्ड्स, यीस्ट, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई जो है ये ज्यादातर यहाँ पे पाई जाती है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में. नेक्स्ट, अगर हम इसकी प्रोडक्टिविटी देखें इस बायोम की, तो वो वेरी करती है. यानी अगर हम देखें यहाँ पे जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, यानी जिसमें सर्दी काफी होती है, तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं, आप एवरेज कोल्डर एरिया कह सकते हो इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो उसमें प्राइमरी प्रोडक्शन का जो रेट है वो 700 to 1500 ग्राम पर मीटर है एनुअली, यानी एक साल में इतनी प्रोडक्टिविटी ऐसे इकोसिस्टम से जो है ना वो अचीव होती है. अगर हम सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की तरफ आ जाए, जो थोड़े से गर्म होंगे एज कम्पेयर टू टेम्परेट ग्रासलैंड, वहां पे जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो 4000 ग्राम पर मीटर स्केयर होगा एनुअली, यानी एक ईयर में. अब कंजप्शन क्या है इस ऐसे इकोसिस्टम की, तो एनुअल ग्रासलैंड जो है वो ना लार्ज ग्रेजिंग एनिमल्स कंज्यूम्स रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, 5 to 10% ऑफ द टोटल हर्बेज प्रोड्यूस, यानी इतना वो पर मतलब हर साल में इतना वो ग्रेजिंग करते हैं इससे. और ज्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, रोडेंट्स हैं, बर्ड्स हैं, तो वो कंज्यूम करते हैं मोस्टली जो बची खुची चीजें होती है ना लिटर फार्म में यहाँ पे. अब ये जो अब इस जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, कितना ज्यादा है, क्या सीन है, तो यहाँ पे के जो नेचुरल ग्रासलैंड है ना इन वर्ल्ड आर यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी वो जो सारा चारा वगैरह है ये कैटल्स के लिए यूज हो रहा है, लाइव स्टॉक के लिए यूज हो रहा है, कुछ जो स्मॉल फ्रैक्शन है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का वो कल्टीवेशन में यूज हो रहा है, एसिडिक क्लाइमेट की वजह से खत्म हो रहा है, और वहाँ की सोइल डिस्टर्ब हो रही है, सोइल इरोजन हो रही है, सैलिनिटी ज्यादा हो रही है, तो इस तरह की ग्रासलैंड इकोसिस्टम की प्रोडक्शन कम हो रही है. इसके अलावा जो ग्रेजिंग है ना वो ज्यादातर प्रोमिनेंट इफेक्ट है ग्रासलैंड, ओवर ग्रेजिंग की वजह से ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग रिडक्शन कर रही है फिर हर्बेज कवर की. और अगर वो पता है ना जिस तरह मवेशी जो है इस तरह जमीनों में या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जहाँ पे ग्रास ज्यादा वहाँ पे ऐसे ओपनली जो है वो ग्रेजिंग करेंगे, ओवर ग्रेजिंग करेंगे, साथ साथ वो वहाँ की सोइल को खराब करेंगे, सोइल इरोजन हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम सोइल जो है वो एबल नहीं होगी वहाँ की ग्रास प्रोडक्शन के लिए. तो बहुत सारे ग्रासलैंड इकोसिस्टम को ना मतलब लैंड्स के लिए कन्वर्टेड किया जा रहा है, और वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को जो है ओवर ग्रेजिंग और कल्टीवेशन और लैंड यूज की वजह से उसको डेजर्ट इकोसिस्टम में कन्वर्ट किया जा रहा है. यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है डिसर्टिफिकेशन, यानी डिसर्टिफिकेशन क्या है, लैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, ठीक है, क्यों, ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग और ह्यूमन इम्पैक्ट.